जय बजरंगबली, मैं प्रभजोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ उस महाशक्ति के बारे में बात करने जा रहा हूं जो इतनी शक्तिशाली है और इतनी विनाशकारी है कि कुछ क्षणों में ही इस पूरी पृथ्वी का, इस मृत्यु लोक का पल भर में सर्वनाश कर सकती है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद हमें कैसे कैसे इंट्यूशंस होते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, उन सब बातों को मैंने आप लोगों के साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था। दोस्तों, शुरुआत से लेकर अब तक मैंने जितनी भी वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड की हैं, वो सारी की सारी वीडियोज़ एक सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं कि किस तरीके से भगवान बजरंगबली ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, मुझे अपनी भक्ति प्रदान की और मेरे जीवन को सफल किया। दोस्तों, इसके बाद शुरुआत से लेकर अब तक यानी पिछले साल तक जितनी भी घटनाएं मेरे साथ घट चुकी हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं अपनी पिछली वीडियोस में। दोस्तों, इस साल से लेकर अब तक जो घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, जो इंट्यूशंस मुझे हुए हैं, जो जो सपने मैंने देखे हैं, वो अब मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ आने वाले टाइम में शेयर करूंगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। दोस्तों, ये बात इस साल की ही है, फरवरी का वो महीना था, मुझे अच्छे तरीके से याद है। फरवरी का वो महीना था, वो दिन शनिवार था और वो वक्त सुबह के 4 बजे का था। दोस्तों, वो घटना इसी कमरे की है जिसे मैं मरते दम तक भी भूल नहीं सकता। जिस शक्ति की मैं आज आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ, वो शक्ति इतनी बड़ी है जो उस राह में छुपकर मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी, और जैसे जैसे मैं उस राह में आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो शक्ति मुझे अपने होने का एहसास दे रही थी। दोस्तों, मैं सपने में क्या देखता हूँ कि मैं इसी कमरे में पूजा कर रहा था बैठकर, जैसे मैं अपने सामने ही पूजा कर रहा हूँ बैठकर, मैं अपने आप को देख रहा था पूजा करते हुए। दोस्तों, इतना ही नहीं, मेरे शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था सिवाय एक लंगोट के। जी हाँ दोस्तों, जिस टाइम मेरी पूजा ख़त्म हुई उस वक्त मैं उठकर दूसरे कमरे में गया और मैं अपने आप को जाता हुआ देख रहा था, और मैंने क्या देखा कि उस कमरे में एक इंसान छुपकर खड़ा हुआ था किसी चीज़ के पीछे। वो चीज़ क्या थी मुझे दिख नहीं रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई कपड़ा लटक रहा है, कोई कपड़ा झूल रहा है, कि वो इंसान उस कपड़े के पीछे छुपकर खड़ा हुआ था और मुझे ही देख रहा था। दोस्तों, जैसे ही वो इंसान उस कपड़े के पीछे से निकल के आता है, मैं उस इंसान को देखता हूँ। दोस्तों, उस इंसान की इतनी लंबी लंबी जटाएँ थी जिसे देख कर मैं हैरान हो गया था, और इतना ही नहीं, उसके माथे पर एक तिलक लगा हुआ था, जैसे साधु लोग होते हैं जो तिलक लगाते हैं, जैसे 3 लेयर का तिलक होता है ना हमारे सिर पर, ऐसे वैसे ही उस इंसान के माथे पर वो तिलक लगा हुआ था, और उसके जो ऊपर का शरीर था, जो उसकी अपर बॉडी थी, उसके ऊपर कोई भी वस्त्र नहीं था सिवाय रुद्राक्ष मालाओं के। उस इंसान ने गले में कुछ रुद्राक्ष की मालाएँ धारण कर रखी थी और उसकी हाथों में, यहाँ दोनों हाथों में भी रुद्राक्षी माला थी। दोस्तों, उसकी लोअर बॉडी, जो हमारे जो कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है, वहाँ उस इंसान ने काली लुंगी कह सकते हैं, या काला कपड़ा कह सकते हैं, या काली धोती कह सकते हैं, उसने एक इस तरीके से काला कपड़ा लपेटा हुआ था। दोस्तों, एक चीज़ मैं ये देखकर हैरान हुआ कि वो इंसान बिल्कुल चुप खड़ा हुआ था, जो कि मुझे ही देख रहा था और मैं भी उसको देख रहा था। उस इंसान ने कुछ नहीं बोला, और मैंने ये चीज़ नोटिस की कि उसके राइट हैंड से धुआं निकल रहा था, और जब वो अपना राइट हैंड ऐसे ऊपर करता है तो दोस्तों, उसके हाथ में इतनी बड़ी चिलम थी, जो साधु महात्मा जो अघोरी होते हैं, जो चिलम पिया करते हैं, उसके हाथ में इतनी बड़ी चिलम थी, और वो मेरे सामने उस चिलम को पीने लगा। दोस्तों, मैंने उसे अपने सामने वो चिलम पीते हुए देखा, और थोड़ी देर के अंदर ही उसने उस चिलम को मेरे पास, मतलब मेरे मुंह की तरफ वो चिलम को वो लेकर आया,
और उसने मुझे वो चिलम ऑफर की कि आप पी लीजिए। तो मैंने अपने आप को कहते हुए सुना कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें नहीं पीता। और दोस्तों इतना ही नहीं, फिर वापस वो इंसान चिलम के दो पफ मारता है दोबारा से, इस तरीके से जैसे अघोरी चिलम पिया करते हैं। और मैं ये सब चीज़ें होते हुए अपने सामने देख रहा हूँ, लेकिन मेरे मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही। वो चिलम को ऐसे पीता है मेरे सामने और धुआं छोड़ता है, और वो धुआं इतना ज़बरदस्त था कि उस कमरे में वो धुआं फैल गया पूरा। फिर दोबारा वो इंसान मुझे चिलम देता है, और इस बार मैं उसे कहते हुए सुनता हूँ कि इसे पी लो। और दोस्तों फिर दोबारा से मैं उस इंसान को मना करता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें नहीं पीता, मैं ये सब नशा नहीं करता, ये सब बातें मैंने अपने आप को कहते हुए सुनी। और दोस्तों इसके बाद उस इंसान ने क्या किया, मेरे राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़कर उसने मेरे राइट हैंड को प्रेस किया, और उस चिलम को मेरे होठों तक लेकर आने के बाद वो इंसान उस चिलम को यहाँ लेकर आया, और उसने क्या कहा कि बेटा ये भोले बाबा का प्रसाद है, इसे ग्रहण कर लो, मतलब इसे पी लो। और दोस्तों उसके इतना कहने के बाद ही उस इंसान ने मुझे अपने हाथों से वो चिलम पिलाई, और मैंने वो चिलम पी। और इतना ही नहीं, उस चिलम के पीने के बाद उस इंसान ने क्या बोला जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उस इंसान ने अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करके कहा, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय महाकाल। ये सब बातें मैंने उसे कहते हुए सुना, इन्हीं दोनों कानों से मैंने ये बातें सुनी। और इतना कहते ही वो इंसान चला गया, और जब मैं देखता हूँ कि वो इंसान कहाँ गया, आगे जाकर आगे उस कमरे में कोई नहीं था। दोस्तों इस घटना के बाद थोड़े वक्त के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन बीते होंगे, शायद इतने भी नहीं, न जाने मुझे अंदर से क्यों इंट्यूशंस आने लगे कि मुझे भगवान शिव की आराधना शुरू करनी चाहिए। अब तक मैं भगवान बजरंगबली की ही पूजा अर्चना किया करता था, राम स्तुति से लेके हनुमान जी की आरती ही किया करता था, जिसमें राम स्तुति, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण और अंत में हनुमान जी की आरती। न जाने क्यों मुझे अंदर से बार बार ये इंट्यूशंस आ रहे थे कि अंदर से मुझे कोई प्रेरित कर रहा है, अंदर से मुझे कोई कुछ बोल रहा है कि नहीं अब तुझे ये सब चीज़ें शुरू करनी हैं। दोस्तों और आगे यही हुआ, मैंने देवों के देव महादेव से पाठ आरंभ करने की आज्ञा मांगी, और इसी के साथ मैंने महामृत्युंजय मंत्र आरंभ किया। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें अपने आप शुरू होने लगी थी, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि वो प्राचीन मंत्र जो हनुमान जी ने मातंग कबीले को दिया था, जो अपने आप मेरे मुंह से निकलने लगा था, उसी तरीके से भगवान शिव की आराधना मैंने अपने आप शुरू कर दी। न जाने ये किस तरीके से हो रहा था, मैं इन सब चीज़ों को देखकर शौक था। दोस्तों महामृत्युंजय का मंत्र मैंने आरंभ किया, और किस तरीके से आरंभ किया ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। कहते हैं कि महामृत्युंजय जो मंत्र है, इसे मतलब जैसे कि आज मैंने 10 बार इस मंत्र का उच्चारण किया, तो अगले दिन मैं इस मंत्र को बढ़ाकर पढ़ूंगा, यानी अगले दिन मैं इस मंत्र का 20 बारी जाप करूंगा, फिर 30 बारी जाप करूंगा। दोस्तों ऐसे करते करते मैं इस मंत्र को 108 बार जाप करने लगा। जिस तरीके से मंत्र 108 पर जाकर रुका, मैंने इस मंत्र की गिनती वहीं रोक दी। और इतना ही नहीं, कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र केवल रुद्राक्ष की माला पर ही जपा जाता है, लेकिन दोस्तों न जाने ये सब चीज़ें कहाँ से मेरे दिमाग में आ रही थी, मैंने जिसे हस्तमाला कहा जाता है, जिसे करमाला भी कहते हैं, मैंने महामृत्युंजय मंत्र अपने हाथों पे करना शुरू किया। जैसे कि हमारे राइट हैंड में ये बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब ये गिनती यहाँ से लेकर यहाँ तक आती थी तो 10 बार महामृत्युंजय मंत्र पूरा होता था।
राइट हैंड पे मैं माला की तरह इसे फेरता और लेफ्ट हैंड पर मैं इन्हें गिन लिया करता था कि यहाँ पे अगर 10 बार पूरे हुए तो यहाँ एक गिन लिया, तो यानी एक बार। तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक वो आता था तो पूरे 108 मंत्र रोज़ाना केवल आधे घंटे में कब पूरे हो जाया करते थे मुझे ध्यान नहीं होता था, और मंत्र मैं बहुत ही धीरे से उच्चारण किया करता था, क्योंकि कहते हैं कि इस मंत्र का उच्चारण होठों से बाहर नहीं आना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंधनां मृत्योमुक्ष्यमामृतात्। इस तरीके से मैंने इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना शुरू किया। जिस तरीके से मुझे सपने में सांप दिखाई देने लगे थे और प्राचीन मंदिर और कुछ शिवलिंग भी दिखाई देने लगे थे, महामृत्युंजय मंत्र आरंभ करने के बाद ये सपने अपने आप बंद हो गए। जी हाँ दोस्तों, मेहद 15 दिन या 20 दिन की बात होगी, इसके बाद एक सपना आया मुझे, और उस सपने में मैं अपने आप को इस कमरे में ही खड़ा होता हुआ महसूस करता हूँ। मेरे सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था दोस्तों, उस पेड़ का जो तना था वो इतना मोटा था जिसको मैं आपको बता नहीं सकता, और उस पेड़ के तने के साथ ही कुछ साधु, कुछ अघोरी लोग बैठे हुए थे जो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। और जैसे ही मैं उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था, मैंने क्या देखा, उस पेड़ के आसपास मिट्टी बिखरी हुई थी जो कि थोड़ी गीली थी, और मैं उस वक्त नंगे पैर था। जैसे ही मुझे फील हुआ कि यहाँ की मिट्टी गीली है, मैंने नीचे की तरफ देखा और वाकई में ही वो मिट्टी गीली थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने अभी अभी पानी का छिड़काव इस मिट्टी पर किया हो। और दोस्तों, मैंने ये देखा कि जो साधु उस पेड़ के साथ में बैठे हुए थे, उन साधुओं ने मुझे देखकर कुछ बातें करनी शुरू कर दी जो मेरे कानों तक आई, और मैंने बहुत ही क्लियर तरीके से उन बातों को सुना। उनमें से एक साधु ने क्या कहा कि अरे ये इंसान यहाँ भी आ गया, अरे देखो ये इंसान यहाँ तक पहुँच गया। तो वो साधु जिनकी लंबी लंबी जटाएँ थी वो वहाँ मुझे देखकर बात कर रहे थे। दोस्तों, उसके बाद मैंने क्या देखा कि उस पेड़ के तने में एक इतना बड़ा कलश दफन था। उस पेड़ के तने में वो कलश दबा हुआ था। जैसे जैसे मैं उस पेड़ की ओर जा रहा था, वैसे वैसे उस कलश का ढक्कन, उस कलश के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ था। जैसे जैसे मैं उस पेड़ की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे उस कलश का ढक्कन अपने आप खुल रहा था। मैं ये सब चीज़ें होते हुए देख रहा था, और जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंच गया, उस कलश का ढक्कन अपने आप खुलकर नीचे गिर गया उस मिट्टी में। दोस्तों, मैंने अपने आप को घुटनों के बल उस पेड़ के तने के पास बैठा हुआ महसूस किया। मैंने उस कलश को उस पेड़ के तने से निकाला। आप यकीन नहीं करेंगे, सौगंध है महादेव की मुझे, दोस्तों मैंने अपनी आँखों से उस कलश के अंदर से धुआं निकलता हुआ देखा, मानो कि इसके अंदर कोई ऐसी विचित्र चीज़ हो जो इतना ज़बरदस्त प्रभाव दे रही थी, जिसको देखकर मैं शॉक्ड हो गया था। और जैसे ही मैंने उस कलश के अंदर झांका, उसके अंदर एक नीला, जो नीला कलर होता है उस टाइप का एक पदार्थ था जिसके अंदर से धुआं आ रहा था। दोस्तों, एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, नीला कलर पानी का भी होता है, नीला कलर विष का भी होता है, और नीला कलर अमृत का भी होता है। दोस्तों, जैसे ही मैंने उस कलश के अंदर झांका, मैंने अपनी आंखें बंद की और उस कलश को अपने मुंह तक लाकर उसका जो पानी था वो मैंने पी लिया। जैसे ही मैंने उस कलश का पानी पीकर उस कलश को नीचे रखा, मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर जोर से जयकारा लगाया कि जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। दोस्तों, मेरे सामने भगवान शिव एक
काली परछाई के रूप में प्रकट हुए। जी हाँ, और उनके पीछे हजारों सैकड़ों ब्रह्मांड, हजारों सैकड़ों तारे, हजारों सैकड़ों लाखों पृथ्वियां घूम रही थी। दोस्तों, भगवान शिव ने मुझे उस वक्त उस पेड़ के पास दर्शन दिए थे। इतना ही नहीं, अगर भगवान शिव उस वक्त वहां नहा प्रकट होते तो उस वक्त मेरी मृत्यु संभव थी। जिस वक्त भगवान शिव उस काली परछाई के रूप में प्रकट हुए, मेरे ठीक पीछे मैंने क्या देखा कि एक विशाल काय सर्प मेरी ओर मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। दोस्तों, उस सर्प का जो सिर था वो इतना बड़ा था जिसे देखकर मैं पूरे तरीके से, मतलब ये लगा लीजिए कि मेरे यूं हो गया था, मैं से डर गया था, मतलब कि अभी मेरी मृत्यु निश्चित है। उस सर्प के सिर पर एक मणि थी और उस सर्प के दांत इतने लंबे लंबे थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। इस बात को बयान करने के लिए मुझे, मेरे पास शब्द नहीं है। वो सर्प मुझे मारने के लिए मेरी ओर बढ़ा और इतने में ही भगवान शिव ने अपना त्रिशूल मेरी ओर फेंका। दोस्तों, जैसे ही भगवान शिव ने उस त्रिशूल को मेरी ओर फेंका, उस त्रिशूल में आग लग चुकी थी जो इस साइड से होता हुआ उस सांप को लगा जाकर। दोस्तों, देखते ही देखते जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, इस कमरे में ही एक घटना घटी थी। दूसरे कमरे से वो सर्प न जाने किस जगह से, किस वक्त से निकलकर, किस, जैसे हम इंग्लिश में उस चीज़ को पोर्टल कह सकते हैं, एक मल्टी डायमेंशनल पोर्टल जिससे आत्माएं और ये सब चीज़ें आना जाना करती है, उस तरीके का मैंने एक पोर्टल खुलते हुए देखा था पिछले कमरे में जो ऐसे राउंड राउंड घूम रहा था। उसी पोर्टल से, उसी डायमेंशनल से वो सांप विशालकाय रूप में मुझ पर हमला करने आया था और इसी कमरे की वो कथा है, ये घटना इसी कमरे की है। जैसे ही वो सांप मुझ पर हमला करने आया, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल मेरी ओर फेंका जिसमें आग लगी हुई थी बेहद ज़बरदस्त तरीके से, और वो त्रिशूल मेरी तरफ होता हुआ उस सर्प को जाकर लगा। और दोस्तों, जैसे ही वो त्रिशूल उस सर्प को जाकर लगा, उस सर्प का जो आकार था, जो इस कमरे से भी बड़ा था, इतना सा हो गया। देखते ही देखते उस सर्प का आकार सिर्फ इतना सा रह गया और वो चलता हुआ मेरे पैरों में आ गया और उसके बाद मैं वहाँ से चला गया और इतने में ही मेरी नींद खुल गई। दोस्तों, ये घटना जब घटी मेरे साथ, जब मैं सुबह उठा तो बिल्कुल एक्यूरेट घड़ी में 4 बज रहे थे, दिन वो शनिवार था। उस वक्त के बाद मैं सो नहीं पाया, मैं दूसरे कमरे में चला गया था। मैंने वहाँ जाकर ये सब चीज़ें आपस में जोड़ी कि ये आज क्या हुआ है मेरे साथ, और 2 या 3 दिन के बाद सब चीज़ें जोड़ने के बाद मुझे इस चीज़ का ध्यान आया कि वो सर्प उस कलश की रक्षा कर रहा था, जिस कलश को मैंने उस पेड़ के तने में से निकाला और उसके अंदर का जो पदार्थ था, जो उसके अंदर एक तरल पदार्थ था वो मैंने ग्रहण किया, उस कलश की, उस पदार्थ की वो सर्प रक्षा कर रहा था। अगर महादेव उस वक्त नहीं प्रकट होते दोस्तों, तो उस दिन, उस क्षण महासर्प को मेरी बलि चढ़ जाती, मैं स्वप्न में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इस तरीके से देवों के देव महादेव ने मुझे दर्शन दिए और इसके बाद आगे क्या घटना घटी वो आने वाली मैं वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, मेरी बातों के जवाब किसी के पास नहीं होंगे। दोस्तों, ऐसी ही घटनाएं हम कुछ गिने चुने लोगों के साथ घटती हैं जिन्हें लोग बताना सही नहीं समझते। कुछ लोग इन्हें गुप्त रखते हैं, कुछ लोग इन्हें बता देते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जब चीज़ें किसी के साथ घटती हैं, ऐसे जब परमपिता परमेश्वर किसी को दर्शन देते हैं, तो वो अपने दर्शनों के साथ कुछ ऐसी शक्तियाँ प्रदान करके जाते हैं कि जिससे इंसान का जीवन पूरे तरीके से
बदल जाता है जैसे कि मेरा बदला। और एक यही मकसद है मेरा आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें शेयर करने का। दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ आप सोच नहीं सकते कितने लोगों का भला हो सकता है, इस पूरी मानवता का भला हो सकता है। जैसे कि मैंने आप लोगों से अपनी पहली वीडियो में कहा था कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से कम होता है। भगवान की दी हुई भक्ति एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको फैलाया जाए तो ये पूरे विश्व में इस तरीके से फैलेगी, हर इंसान के मन में इन सब चीज़ों का वास होगा। दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ अब वो चीज़ें शेयर करूंगा जो इसके बाद मेरे साथ घटी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इन वीडियो को शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि मुझसे ऐसे लोग जुड़ें जिनके साथ ये घटनाएँ होती हैं। आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, मेरा फेसबुक का प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी इंस्टाग्राम का लिंक और मेरी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक वहां डला हुआ है, आप वहां जाकर मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों के साथ इससे आगे की घटनाएँ शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।